जवानों ने एक केस में पहुंच 30 घर है, हम पूरा 30 घर को कंटेन कर दिया। या भरुआ में था तरीके के कंटेन मैनेजर गए, है ना, लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना पूरा, जैसे कल जैसे उसको स्टेटमेंट बोलते थे तो पूरे करके को जेल बना के रखा है यहाँ पर, जमीन नजर नजर को है ना, मतलब या तो लोगों को थोड़ा समझाइए या कुछ करके, और जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस है उनको खोलने का भी कोई तरीका नहीं, जैसे मतलब मुलाजमों को यही माना नहीं जाता है कंटेनमेंट हो गया। एक वो दूसरा जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स है ना यार, जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रेक्टर जब साइट पे जाते हैं तो उनको कम से कम कुछ जरूरत परमिशन या कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग उनको डंडा लगा कि उन्होंने बेचारों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से लेबर लाया, बसों सर अब कल उनकी गाड़ियाँ ही सीज कर दिया थाने उसी में, तो ठेकेदारों के तो इस तरह से काम कम चलेगा, इसलिए थोड़ा इसको रिव्यू करनी चाहिए। 10:30 बजे कंटेनमेंट वाला बलू वाला और जो इसको टाउन के ऊपर से डी कंटेन करना, क्योंकि टाउन में तो कुदरती बात है केसेस अब कम हो गए, यहाँ मुझे लगता है कम से कम फर्स्ट महीने में ये लोग दिन का 15-20 कर ले, बहुत बड़ा सक्सेस रेट है, तो धीरे 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 करके उनको हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा शुरू नहीं होगा। तो जितना जल्दी हम लोग लैब इस्टेब्लिश कर लें और कम से कम 2 मशीन चाहिए। वो अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ICU है उसके स्टाफ क्या है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? तो हमारा बिल्कुल आपका सितंबर एंडिंग अक्टूबर 15 पर किसी भी सुलभ नहीं है। एक तुम है सर, दूसरा जो अभी हम आपने भी देख लिया, अभी अभी जितने भी हमारे पास यहाँ पेशेंट आ रहे हैं वो सारे सिम्टोमेटिक आ रहे हैं और हर किसी मरीज अगर ऑक्सीजन के बगैर इमीडिएट सर्वाइवल की हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। बसो सर सो हमें एक तो जो ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है उसको एक बैकअप बहुत जरूरी है, वो कल हम लोगों से बात कर लेते हैं। और इनका सब